हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद आज आपका भाई कमबैक कर चुका है, और जितने दिन में मैं वीडियो नहीं डालता था उसका रीज़न यही कि आप लोग वीडियो को थोड़ा कम देखते थे, मतलब कि लो इंटरेस्ट, ठीक है। उस वजह से मैं थोड़ा डीमोटिव हो गया था। और चलो, अब फाइनली आपका भाई कमबैक कर चुका है और फुल टाइम आपको टाइम देगा यूट्यूब पे। तो आप लोग भी उस वजह से आप लोग भी आपके भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करना और वीडियो को प्लीज़ देखना एंड तक, और ज़रूर देखना जो भी वीडियो मैं डालूँगा, प्लीज़ इंटरेस्ट के साथ देखना, ठीक है। और मैं अभी न्यू कुछ करने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ, तो आप लोग इंटरेस्ट में देखना, ठीक है। और मैं चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैं कुछ दिन हो गया इंस्टाग्राम पे पोल डाला था और मुझे बहुत लोग बोले लौकी के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट लाओ, तो मैं वो सोच के एक पोल डालता हूँ। तो ज़्यादा भी वोट आएगा तो मैं उसका कॉन्सेप्ट लाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो मैं वोट दिया, सॉरी मैं पोल डाला, बहुत सारे लोग वोट भी किए यस के और कुछ लोग नहीं भी किए, कोई नहीं चलता है। तो बहुत सारे लोग का रिस्पॉन्स आया कि करने के लिए, तो चलो देखते हैं हम गूगल पे कि कैसा लौकी के कॉन्सेप्ट कैसे आता है। तो मैंने गया गूगल पर। सो गूगल पे आने के बाद मैंने टाइप किया LOKI लौकी भाई। चलो लौकी भाई पे देखते हैं, भाई मेरा भाई है तो ये क्या है, इमेज में चलते हैं। और यहाँ आया क्या, अरे यार यहाँ पे तो हमारा लौकी भाई आएगा। उप्स सॉरी, मैं लौकी भाई समझ के लौकी भाई लिख दिया। तो हम लौकी ही सर्च करते हैं। अब फाइनली आ गया लौकी का। तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारा यहाँ लौकी का जो सीज़न है वो उसका फोटो सब है। तो मैंने यहाँ पे एक मैंने रिसर्च किया कि ये सीज़न पे लौकी का सीरीज़ पे ये जो ड्रेस है, तो मैंने इसको चूज़ किया। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे फ़ोटो में, मेरे पास एक अच्छा सा ब्लेज़र है इस टाइप का, तो मुझे आराम से फिट करने के लिए एक चांस मिल गया। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट मैंने सोचा और फ़ोटो क्लिक किया। तो आप लोग देख सकते हो 6 फोटो मैंने क्लिक किया। और उसके बाद ये फोटो क्लिक करने के बाद एक फोटो मैंने इसको सेलेक्ट किया कि लौकी के कॉन्सेप्ट में फिट होगा। ओके, देन हम इसको अपने पिक्सर के अंदर लेके जाते हैं और एक अच्छा सा पोस्टर बनाते हैं लौकी भाई के ऊपर, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स, हमारा प्यारे पिक्सर एप्लीकेशन में आ चुके हैं और ये बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे ऐड कर लेना। उसके बाद हमको एक फ़ोटो ऐड करना है बैकग्राउंड में लाइट देने के लिए, ठीक है। तो इसको फ़ोटो को हम चूज़ करेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं ग्रीन कलर देंगे। तो हमको जाना है यहाँ इफ़ेक्ट्स में, और इस इफ़ेक्ट्स में आने के बाद इसको थोड़ा ब्लर करेंगे। ओके, उसके बाद हमको यहाँ कहाँ चला गया एडजस्ट, ओके एडजस्ट इसको यहाँ पे जाना है और हुई पे जाके इसको नीचे लेके आएंगे और इसका कलर रखेंगे ग्रीन कलर, देन ओके करेंगे। उसके बाद इसको हम बड़ा करेंगे। ओके, उसके बाद इरेज में जाके हम इसको मास्क लेंगे और इसको हल्का हल्का करके ब्रश करेंगे। तो हो गया, हम कर चुके हैं, देन करेंगे डन। उसके बाद आपके भाई को यहाँ ऐड करना है, मुझे ऐड करना है, आपके सोनी भाई को ऐड करना है, देन इसको उसको हम करेंगे कन्वर्ट लौकी भाई के जैसा। तो ये ऐड कर चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे और फिट करेंगे कुछ इस तरह के, इसको रखेंगे यहाँ पे। सो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, देन हमको जाना है ऐड फोटो में और ये वाला को फिर से ऐड करना है। देन हमको जाना है यहाँ एडजस्ट में जाके, इसको हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट इस सब को हम थोड़ी छेड़खानी करना है। सो
हमने ब्लैक कर चुके हैं, देन इसको बड़ा करेंगे, ओके, और ओपेसिटी को हल्का सा कम करेंगे, कुछ छोटा छोटा मतलब 57, ओके, देन हम इरेज करेंगे, बाकी जो हमको नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर लेंगे। सो हो गया, हम करेंगे डन। सो कुछ लोग सोचते होंगे तो अभी फोटो ब्राइटनेस दिख रहा है, मैच नहीं हुआ है, तो भाई थोड़ा सबर करो, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सबर करना, वीडियो को देखना आराम से। देन हमको ये लोकी भाई का ड्रेस होगा और जो हेलमेट है उसका, वो सब हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग बस देखते जाओ। सो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हो, आपके भाई को बना दिया हूँ पूरा डिटो लोकी भाई के जैसा। अभी हम इसको ड्रॉ टूल में जाते हैं और इसको डर्ट एंड बॉन इफेक्ट देंगे, थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, ओके? तो हम यहाँ से इसको ब्लेंडिंग मोड रखेंगे ओवल ले, देन हम डर्ट एंड बॉन इफेक्ट देंगे आपके भाई को, मतलब कि मूछे, ठीक है? सो फ्रेंड्स, हम कर लिए हैं हमारा डॉट एंड बॉन इफेक्ट। देन और एक एम्प्टी लेयर लेंगे और हाईलाइट देंगे, मतलब जो हाथ में क्या पकड़ा है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, आप लोग याद करके मुझे कमेंट में बता देना। तो उसको हम ऐड करना है और जो ड्रेस में हाईलाइट जो आता है, शेडोस ये सब हाईलाइट आता है, वह सब हम अभी क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो हमको कलर वही रखना है जो ब्लू टाइप का होता है, वही रखना है। देन हम हल्का हल्का करके हमारा जैकेट में उसको हम ऐड करेंगे, मतलब कि पेंट करेंगे, ठीक है? ओके, हो गया, अब करेंगे डन। अब उसके बाद जो मैंने बोला था, उसको जो पकड़ा है वो हाथ में, उसको हम लगाएंगे। सच में यार, एडिटिंग करते वक्त मैं भूल जाता हूँ कि क्या बोलना पड़ता है उसको, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? तो हमको वो ऐड करना है अभी, ओके। तो इसको हम कर लिए हैं यहाँ पे ऐड। उसके बाद हम थोड़ा छोटा करेंगे और हाथ में फिट करेंगे, तो हमको पता कैसे चलेगा, तो उसको ओपेसिटी को कम करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे, ओके? तो ये कुछ बड़ा दिख रहा है, थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे, ओके, अब सही है। अब उसके बाद हमको इसको इरेज करना है। ठीक है, हो गया। इसको अभी ओपेसिटी को 100 करेंगे और यहाँ से एक कॉपी लेंगे, ठीक है? तो ये तो थोड़ा बिछड़ गया है उसके भाई से, इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे, उसके भाई के पास मिला देते हैं कुछ इस तरह से, हो गया। देन सेकेंड वाला को हम ब्लेंडिंग मोड रखते हैं स्क्रीन पे, ओके? इसको हम, ओके, अब सही है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, अब हो गया। देन करेंगे डन। अब उसके बाद हमको एक फोटो ऐड करना है जो कि लाइट देना है, तो हम ये ब्लू वाला को सेलेक्ट करेंगे, ओके, और इसका ओपेसिटी कम करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। देन इसको हम इरेज पे जाके मास्क लेंगे और हल्का हल्का ब्रश करेंगे, शाइनिंग लुक देना है, ठीक है? ओके, हो गया। उसके बाद करेंगे डन और देखते हैं ओपेसिटी को ऊपर नीचे करते हैं, इतना ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए।
देन करेंगे ओके। अब उसके बाद और एक फ़ोटो हम ऐड करना है हमको, तो हमको ये ऐड करना है, हम कर लेते हैं ऐड। इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड हम रख देते हैं स्क्रीन पे, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और हम थोड़ा हल्का हल्का इरेज भी करेंगे। हो गया गाइस, उसके बाद करेंगे डन। देन हमको जाना है यहाँ टूल्स में, तो एडजस्ट में जाएंगे, उसके बाद इसका क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ इस तरह। अब करेंगे डन, तो ये पिक्सार्ट का काम हो चुका है। तो हम सिंपली यहाँ ड्रॉ टूल में जाते हैं और इसको सेव कर लेंगे और इसको थोड़ा कलर ग्रेडिंग करेंगे लाइट रूम पे, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम लाइट रूम एप्लीकेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लाइट रूम पे। देन जो हमने एडिट करके सेव किया था पिक्सार्ट में, उसको हम यहाँ ऐड कर चुके हैं। अब उसके बाद थोड़ा एडजस्ट करेंगे कलर ग्रेडिंग, हाईलाइट और कुछ कुछ जो लगता है वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देन हमको इसका टेम्परेचर को हम थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, मतलब थोड़ा एडजस्ट करेंगे। टिंट को बैक पे रखते हैं, ठीक है, ये सही है। देन यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ जाते हैं, शार्पनिंग देंगे इसको, ये सही है। तो अभी देखते हैं, चलो गाइस बस इतना ही हो गया। सो गाइस, मैं एक चीज़ भूल गया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लोकी भाई का जो मार्वल मेन चीज़, उसको मार्वल लोगो को मैंने ऐड नहीं किया, वो भूल गया हूँ। तो हमको फिर से जाना पड़ेगा पिक्सार्ट में, तो इसको हम पहले यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आ गए हम पिक्सार्ट में। कुछ नहीं, बस वो लोगो को ऐड कर देना है और बाकी सब काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम उसको ऐड कर लेते हैं। बेचारा को हम पीछे छोड़ दिए थे, इसको हम करेंगे यहाँ पे कुछ बीच में, ओके डन। बस इतने से काम के लिए हमको फिर से आना पड़ा पिक्सार्ट में। चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलती हो जाती है। तो गाइस, हो चुका है हमारा फ़ोटो कंप्लीट। तो आपको फ़ोटो और वीडियो तो अच्छा लगा है, तो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, और अच्छा नहीं भी लगा है तो थोड़ा बहुत अपने भाई को दिल खुश करने के लिए लाइक ज़रूर कर देना और दोस्त लोग के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल बहुत सारा आने वाला है, तो आप लोग वेट करना उसके लिए और इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखना, ठीक है। कोई मजबूरी नहीं होता, सॉरी मैं क्या कुछ बोल दे रहा हूँ, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से इंटरेस्ट से वीडियो देखना, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखना, खाना पीना, आराम से घूमना, लेकिन मास्क लगा के घूमना, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।